रविवार को देर शाम छतरपुर पहुंचे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रामचरितमानस मैदान स्थित श्री राम सेवा समिति के कार्यालय रामालय का भव्य शुभारंभ किया। हम आपको बता दें कि विगत 17 वर्षों से श्री राम जन्मोत्सव को राम नवमी महोत्सव के रूप में बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आगामी 30 मार्च राम नवमी को लेकर आज श्री राम सेवा समिति के कार्यालय रामालय का शुभारंभ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने जा रहा है, आप सभी तैयारियां शुरू कर दो। इस भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो के नारे भी गुंजायमान होते रहे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि श्री राम सेवा समिति द्वारा रामनवमी पर जो विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है वह हमारे लिए ही नहीं पूरे भारत देश के लिए गौरव की बात है। वहीं उन्होंने कहा कि एक समय था जब लोग घरों में धर्म ध्वज लगाने से परहेज करते थे, लेकिन आज छतरपुर ही नहीं समूचे देश राममय हो रहा है। वहीं उन्होंने प्रकाश टाटा द्वारा दिए गए करोड़ के चैलेंज वाले सवाल पर कहा कि हम कोई फरमाइशी गीत नहीं हैं। श्री राम सेवा समिति छतरपुर के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले का ये सौभाग्य है, गौरव है कि हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से ही आज विगत 17 वर्षों से श्री राम नवमी पर भव्य दिव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिससे समूचे मध्य प्रदेश में सनातन संस्कृति की जागृति हुई थी। और एक समय था कि जब लोग धर्म ध्वज लगाने से भयभीत रहते थे, लेकिन आज पूरा भारत राममय हो रहा और इसमें कहीं ना कहीं एक श्रेय मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का। प्रकाश टाटा ने 1 करोड़ का चैलेंज किया, आपके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हम कोई फरमाइशी गीत नहीं है, कितनी बार एक्सेप्ट नहीं किया, कितनी बार हमने प्रतिउत्तर नहीं दिया, कितनी बार टेस्ट नहीं दिया, भला अब यही थोड़ी देते रहे। क्या मैसेज देना चाहोगे इस प्रकार के जो चैलेंज करते हैं अपने आप? सस्ती लोकप्रियता पाने का एक नया ढंग पा लिया है। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।